हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग दो टेस्ट खत्म कर चुके थे, दृष्टि आईएएस वाले जो एमपीपीएससी के लिए उन्होंने निकाले हैं, ये तीसरा है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल पेपर तीसरा, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप सभी को पता है 2 घंटे का होता है, इसमें 200 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 200 नंबर 2 नंबर का रहता है। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करें। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धम्म संघ, याद रखिए, बौद्ध धम्म संघ, बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है, इसमें द्वितीय मुख्य अभिलेख में, द्वितीय मुख्य अभिलेख में बी ऑप्शन है, याद रखिए, बी ऑप्शन है दूसरे का। तीसरा, पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की थी? तो यह था जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। तीसरा, चौथा, उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित है? उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित है? बी ऑप्शन सही है, ताजमहल। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, पांच का सी है। छठवा, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी हो मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो याद रखिए, दांडी मार्च के दौरान, दांडी मार्च के दौरान, सी ऑप्शन सही है। सात, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो याद रखिए, ऑपरेशन जीरो आवर, आवर। ठीक है, बी ऑप्शन है सात। आठ, ए ओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिए, डब्लू विडरवन, विडरवन। फिर नौवा क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह निम्नलिखित नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, नौ का बी है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिए, गुरु अंगद द्वारा, गुरु अंगद, 10 का ए। मयूरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मऊरी, मऊरी जाति कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो याद रखिए, न्यूजीलैंड में। अबे 12वां, निम्नलिखित में से किस किसे झीलों के देश के उपनाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा, फिनलैंड, डी ऑप्शन है। 13, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो याद रखना है, शनि के, पहले बृहस्पति के थे लेकिन अभी कुछ नए उपग्रह खोज लिए गए तो अब शनि के हो गए। ठीक, याद रखिए। 44, 14 क्वेश्चन नंबर 14, शनि के ग्रहों की उपग्रह संख्या कितनी है? शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 45, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 डेंजरस ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? तो इसे कंचनजंगा, कंचनजंगा को क्या कहा जाता है? 5 पर्वतों को 5 डेंजरस ऑफ ग्रेट स्नो, 15 का सी है। 16, अमरावती, अर्कावती, भवानी चिन्नर, हेमावती, होनोकोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिए, एक कावेरी की, कावेरी की। 17, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? याद रखिए, उत्तराखंड में, 17 का ए है। 18, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए, टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में, थारू पाई जाती है उत्तराखंड में, टोडा पाई जाती है तमिलनाडु में।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर क्या है? तो आपको याद रखना है शक संवत, शक संवत, ठीक। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। बी ए ऑप्शन सही है, 20 का। वीडियो टेप का आविष्कार आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए चार्ल्स गिंसबर्ग ने, चार्ल्स गिंसबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन सही है। 22, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो याद रखना है जिसमें भरा होता है आर्गन, ऑर्गन, ठीक है, आर्गन। सी ऑप्शन सही है 22 का। 23, आंवला का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम है अनुवालिका ऑपिसेनोलेस, ये ऑप्शन है 23 का, ठीक है। 24, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो याद रखिए मैग्नीशियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 25, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो याद रखना है आपको प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स की, ये ऑप्शन सही है 25 का। 26, एबोला है एक, एबोला है एक प्राणघातक विषाणु, ठीक है। 27, 16 दिसंबर 2019 को देश भर में 48वां विजय दिवस मनाया गया, यह किस वर्ष के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए 1971, 1971, ठीक है। 27 का डी ऑप्शन है, 1971 विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? उदार विनिमय दर प्रणाली कब लॉन्च की गई? 1992 में। डी ऑप्शन है 29 का। 30, समय समय पर निम्नलिखित निकाय में से कौन भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल विकसित करता है? ठीक है, तो इसमें याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन सही है। लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है? प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, नहीं गलत है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 31 का भी है। 32, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ में किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो याद रखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। 32 का डी है। 33, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखना है 33 का है राष्ट्रीय बागवानी, बी ऑप्शन सही है 33 का। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित? 43 बी किससे संबंधित है? तो याद रखिए यह है सहकारी समितियों से संबंधित, ठीक है, बी ऑप्शन। 35, सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों संस्थान भारत के संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? ठीक है, तो याद रखिए अनुच्छेद 30, डी ऑप्शन सही है 35 का। 36, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो याद रखिए विश्व बैंक द्वारा। 106वां संविधान संविधान विधेयक और 111वां संविधान विधेयक क्रमशः है, तो याद रखिए यह सहकारी समिति और सहकारी समिति से, ठीक है, डी ऑप्शन है, ठीक है। 37 का डी। 38, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ए ऑप्शन सही है, नियंत्रक और महान्यायवादी को। 39, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्ब को राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया? तो याद रखिए 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित किया गया, डी ऑप्शन सही है इसमें। 40, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? याद रखना छतरपुर में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी अपरदन में सर्वाधिक
प्रभावित है, मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो याद रखिए मुरैना, ये ऑप्शन 41 का। 42, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नहीं बनाती है? ठीक है, तो याद रखिए चचाई, ठीक है, धुआंधार बनाती है, मंदार बनाती है, दर्दी भी बनाती है, चचाई नहीं बनाती है। ठीक है, 42 का है डी ऑप्शन, 42 का डी। 43, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस जिले में बनाया गया? मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस जिले में बनाया गया? तो याद रखिए भोपाल में। 43 का सी है। 44, मोती महल तथा बघेली महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए भोपाल में। राज्य में संरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? राज्य में संरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो याद रखिए 31,098 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 45 का। 46, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मंदसौर जिले में बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा बांध मंदसौर जिले में बनाया गया? गांधी सागर बांध, याद रखिए बी ऑप्शन है 46 का। मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए, ये ऑप्शन है। 48, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिए धार में। मध्य प्रदेश का राज्य राज्य पशु क्या है? तो याद रखिए बारहसिंगा है। राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा, बी ऑप्शन सही है 49। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? हरदा, ठीक है, कटनी सिवनी मंडला है, हरदा नहीं। 51 क्वेश्चन नंबर, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना डी सही है, जबलपुर में। राज्य में ऋतु वैद्यशालय कहाँ है? याद रखना सी ऑप्शन सही है, इंदौर में, ऋतु वैद्यशालय इंदौर में स्थित है। 53 क्वेश्चन नंबर, ओकारेश्वर शहर किस नदी के तट पर बसा है? ओकारेश्वर शहर किस नदी के तट पर बसा है? नर्मदा के, ये ऑप्शन सही है। फारसी क्लब क्रिकेट क्लब का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस में से कहाँ स्थित है? तो याद रखिए चंगवन का बी है, इंदौर में, चंगवन का बी है। 55, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए 1941 में। एंडी फ्लैंटॉप टॉप किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो याद रखिए ये हैं इंग्लैंड के। एंडी फ्लैंटॉप किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के, ये ऑप्शन सही है। 57, हाल ही में चर्चित गाफा टैक्स किस देश की संसद द्वारा लगाया गया? हाल ही में चर्चित गाफा टैक्स किस देश की संसद द्वारा लगाया गया? फ्रांस की। 58, वर्ष 2019 में विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2019 में विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखना है आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन, आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन हीमोफीलिया दिवस 2019 की थीम थी, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में चर्चा रहा लिब्रा क्या है? लिब्रा क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा लिब्रा क्या है? क्रिप्टो करेंसी, बी ऑप्शन सही है। 60, निम्नलिखित में से कौन टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2019 के पुरुष विजेता रहे हैं? तो याद रखिए ये हैं अपने नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें 61 में? तो याद रखिए बगदाद टाइगर सही है, फरत स्वान काहिरा दजला फरात, ये गलत है, सी ऑप्शन है इसमें, वाशिंगटन पोटोमैक, सी ऑप्शन है 61 का। अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, भुवनेश्वर में, ठीक है। 63, हाल ही में वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए अभी अहमद अली को, 63 का है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में पद्म विभूषण दिया गया? तो याद रखिए 64 का है, डी तेजन भाई को।
प्रणब मुखर्जी को नानाजी, देशमुख को भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया है 2019 में। ठीक है, 65वां क्वेश्चन, G20 का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो याद रखना है आपको, ये किया गया जापान में। G20 का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? जापान में। सी ऑप्शन सही है 65 का। 66, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग है, तो याद रखना 141। और याद रखिए, हैप्पी इंडेक्स में 140 पे और फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में 140 पे, और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 141 पर। ठीक है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए, यह है अक्कीथम, बी ऑप्शन सही है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो याद रखिए 5वां, 68 है सी। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो याद रखिए 1957 में, 97 में, डी ऑप्शन है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए सतत विकास से, ये ऑप्शन है सही। 71, भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण है? भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देने वाली देना। ठीक है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 72 याद रखना, गेंडा के लिए, गेंडा के लिए, ये ऑप्शन है 72 का। 73, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है 73 का है, बी ऑप्शन, जामनगर में, जामनगर में। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो याद रखना है ल्यूवेन हॉक ने, बी ऑप्शन है। 75, निम्न में से कौन सा स्तनपायी पाई है? तो याद रखना है भेल, डी ऑप्शन है। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा संबंधित सूची में हस्तांतरित की गई? तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। याद रखिए 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, 77, भारत में संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, भारत में संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, याद रखिए। 78, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिए 26 नवंबर को। 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो याद रखिए कृषि, ये ऑप्शन सही है। 80, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो याद रखिए दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया, स्टेक शामिल है, सट्टेबाज में दलाल नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होगा 1955 में। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसको किसका परिणाम है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो याद रखिए अशोधित जन्मदर और अशोधित मृत्यु दर, इसमें डी ऑप्शन है, याद रखिए डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 82 का डी है। 83, निम्नलिखित में पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रमशः पहचानना है? तो याद रखिए इसमें गारो खासी जयंतिया नागा, गारो खासी जयंतिया नागा, गारो खासी जयंतिया नागा। ठीक है, 63, 83 का सी है। 84, मेकमोहन रेखा सीमा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत चीन के बीच, याद रखिए भारत चीन के बीच। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? याद रखिए इसमें है नागालैंड, 85 बी ऑप्शन, नागालैंड। ठीक, याद रखिए यहाँ आपको बता दें डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है, 1947 से पहले लगती थी भारत से, लेकिन जब से पाकिस्तान अलग हुआ तब डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ रेखा ये अब
पाकिस्तान और भारत से लगती है के बीच की रेखा, ठीक है, और मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच। 86 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण है? तो याद रखिए इसमें है बी ऑप्शन धारा 10। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विधि विरोध अनिवार्य श्रम को कब अस्पष्टता का आचरण समझा जाएगा या बंद किया गया है? तो याद रखिए इसमें धारा 7 काम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में संहिता को परिभाषित किया गया है? तो याद रखना है संहिता को किस भाषा में परिभाषित किया गया है, याद रखिए धारा 2 खाम है। 89 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा में पुलिस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को बंद किया गया है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है धारा 5। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करना है, या किसी नदी सरिता झरना कुआ तालाब कुंड नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट कोई सार्वजनिक परिवहन कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करने से बाधित करेगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो याद रखिए जिसमें वह कम अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी प्लस, ठीक है ये ऑप्शन सही है। 91 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो आप सभी को पता होगा 5 अध्याय 23 धाराएं, ठीक ये लागू कब हुआ? तो याद रखना 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ और 11 सितंबर 1989 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, ठीक है। और आपको इतना भी याद रखिए जैसे 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर वो विभाजित उसका शामिल हुआ है लागू हुआ है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया और 35A 370 हटा दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। तब से पूरे भारत में इसमें जम्मू कश्मीर में वो प्रावधान लागू होंगे जो पूरे भारत में लागू होते हैं, याद रखिए अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। 92 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होने का प्रावधान है? तो याद रखिए धारा 20 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा कारावास से होगा। तो याद रखिए यह होगा जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय, ठीक है डी ऑप्शन है 13। 94 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं होता है पूछ रहा है, ठीक राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है, लोग राज्यसभा का सभापति उपसभापति शामिल होता है सभापति नहीं होता है, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, राज्य का गृह विभाग का प्रभारी मंत्री शामिल नहीं होता है, याद रखिए प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, सी ऑप्शन है 94 का। 95 मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित अध्याय में उनकी प्रावधानों में से सही सम्मिलित को छांट लें, तो याद रखिए 95 7 अध्याय में वित्त लेखा संपरीक्षा 8 में सम्मिलित को छांटना है और धारा 3 अध्याय 3 में राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया अध्याय डी ऑप्शन है 95 का। ठीक बात करते हैं हम लोग सही सम्मिलित चुनना था, ठीक है 96 मानवाधिकार से संबंधित धारा 19 के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो याद रखिए 96 का है ये ऑप्शन सशस्त्र बलों की बाबत संबंधित प्रक्रिया। 97 आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय
उपयुक्त तीनों से मांग सकता है, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, राज्य सरकार से अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन है। 98 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में पारित किया गया है। इसके द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में क्या संशोधन किए गए थे? संशोधन किए तो याद रखिए 98 राज्य मानव अधिकार आयोग की संख्या घटाकर 5 से 3 कर दी गई। मानव अधिकार आयोग के साथ उपबंध अनुसंधान मशीनरी को मजबूत बनाया गया था, ये भी सही है। मानव अधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं में परिवर्तन किया गया था, उपयुक्त सही डी है ऑप्शन। ठीक है, 99 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय एवं कितनी धाराएं? तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन सही है, इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। इसके बारे में बता दें तो आपको बता दें एक 1993 वाला मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम एक अध्यादेश के द्वारा 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। वैसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 8 जनवरी 1994 को। ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाता है। 100 कितने पुराने मामलों की जांच ना तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा ना ही राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, एक बार से आपसे अधिक, ये ऑप्शन सही। तो हम लोग कितने सेट खत्म कर चुके हैं? 3। ठीक है, दृष्टि वाले। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और, उसके बाद ये 5 है टोटल। ठीक।